देवभूमि हिमाचल के जिला कांगड़ा स्थित शक्तिपीठों में वीरवार से शारदीय नवरात्र शुरू हो रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से नवरात्र के मद्देनजर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। नवरात्रों के दौरान शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं की खासी भीड़ उमड़ती है, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था अहम रहती है। नवरात्रों के दौरान जिला के तीनों शक्तिपीठों में सीसीटीवी के साथ ड्रोन से निगरानी की जाएगी। साथ ही तीनों शक्तिपीठों में एक एक रिजर्व बटालियन भी तैनात कर दी गई है। नवरात्र के दौरान हर गतिविधि पर पुलिस पैनी नजर रखेगी। नवरात्रों को लेकर शक्तिपीठों में सफाई, पेयजल, स्वास्थ्य सहित अन्य व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। नवरात्रों में उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए पुलिस तैनात कर दी गई है। देखिए, जैसे कि आपको मालूम ही है कि 3 अक्टूबर से आगे जो है 9 दिन नवरात्र शुरू होंगे और हमारे पास यहाँ पे जो मंदिर है यहाँ पे सुरक्षा इंतजाम जो है पुख्ता किए गए हैं। इसमें हमने 3 रिजर्वे मंगाई गई हैं और सभी को इक्वली बांटा गया है। प्रॉपर सभी की चेकिंग होगी और लोगों से भी ये अनुरोध करते हैं कि अपने साथ जो है कोई कीमती सामान ऐसा मंदिर में ना लेके आएँ और पुलिस जो है अपना सारी व्यवस्था जो है चाक चौबंद बनाए हुए। जी, हमने जैसे सीसीटीवी कैमराज भी लगे हुए हैं, कुछ हमने निगरानी इस बार ड्रोन से भी रखी जाएगी। और साथ ही साथ जब भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो लोग आते हैं वो अपने बिलोंगिंग्स का ध्यान रखें, क्योंकि जो भीड़ होता है कई बार उसका फ़ायदा उठाकर ये जो क्रिमिनल्स होते हैं इस तरह से उसमें किसी का नुकसान कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया सीसीटीवी कैमरा भी अप्रोप्रिएट लगाए गए हैं, ड्रोन से भी हम नज़र रखें। देखिए, जो आपने बताया चामुंडा के पास जो खड है उसका एक रिलीजियस महत्व है, इसलिए लोग वहाँ पर आके डुबकी लगाते हैं, तो वहाँ पर भी अप्रोप्रिएट पुलिस प्रबंध किए गए हैं और साथ ही साथ लोगों को हमने लाइफ जैकेट्स के साथ भी रखा है। और लोगों को भी यही बताया जाएगा कि ज़्यादा जैसे जब पानी आता है तो पुलिस भी वहाँ होगी और लोगों को भी अवेयर किया जाएगा।